सलमान खान अपना घर जल्द से जल्द छोड़ने वाला है, ये रूमर्स है या रियलिटी, आइए इस वीडियो में समझते हैं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फायरिंग की घटना के बाद सुपरस्टार सलमान खान के पिता सलीम खान परिवार को गैलेक्सी अपार्टमेंट से शिफ्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। दरअसल सलमान खान जिस गैलेक्सी अपार्टमेंट में रहते हैं वहां लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग की जान से मारने की धमकियां मिल रही है, और जब फायरिंग हुई तो खान परिवार सुरक्षा को लेकर चिंतित है। इंडिया टुडे ने अपने रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि सलमान खान या उनके फैमिली मेंबर्स का घर बदलने का कोई इरादा नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि सलमान खान के घर बदलने की कोई खबरें अफवाह है, वे आगे भी गैलेक्सी अपार्टमेंट में ही रहेंगे। फायरिंग की घटना से खान परिवार को चिंता में डाल दिया गया है, लेकिन पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। वहीं सलमान खान की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने ली है। रिपोर्टर्स की माने तो अनमोल बिश्नोई अमेरिका में रहता है। सलमान खान के घर के बाहर जो फायरिंग की गई उसकी जांच पड़ताल लोकल पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। फोरेंसिक टीम ने सलमान खान के घर के बाहर से गोलियों के खोखे बरामद किए हैं। बांद्रा पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। डीसीपी मुंबई पुलिस राज तिलक रोशन के मुताबिक संदिग्धों की पकड़ने के लिए 15 से ज्यादा टीम बनाई गई है। इस पर कार्रवाई जल्दी होनी चाहिए क्योंकि सामने से खुद गुनहगार ने अपने गुनाह कबूल कर लिए।